देहरादून में सेना ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हेलीकॉप्टर को जीटीसी स्थित हेलीपैड पर उतरने नहीं दिया। सेना के एक अधिकारी ने बकायदा हेलीपैड पर दो ड्रम रख दिए। इस पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह पर उतारा। इस दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हेलीकॉप्टर को देहरादून के जीटीसी हेलीपैड पर सेना ने उतारने से मना कर दिया। सेना के एक अधिकारी ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग को रोकने के लिए हेलीपैड पर दो ड्रम रख दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने इसको लेकर सेना को शिकायत दर्ज की है। शिकायत में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की गाड़ी जिस दौरान जीटीसी हेलीपैड पर मुख्य द्वार से जा रही थी, तब वहां पर एक सैन्य अधिकारी जो कि अपनी प्राइवेट गाड़ी पर सवार थे, उन्होंने रास्ता रोका। उसके कारण मुख्यमंत्री को काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। जब सैन्य अधिकारी को बताया गया कि गाड़ी में मुख्यमंत्री हैं, तब काफी अनमने ढंग से उन्होंने अपनी गाड़ी हटाई। इसके बाद जब वहां पर सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड होना था, तो सेना के कुछ अधिकारियों ने दो ड्रम हेलीपैड पर रख दिए, जिसके कारण हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह लैंड कराना पड़ा। हालांकि ये लैंडिंग करने में कोई परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से सावड़ी इलाके में बने एक अस्थायी हेलीपैड के लिए रवाना होना था। रावत को सावड़ी में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मिलना था और मदद राशि देनी थी।